जय श्री राम। और सारे भाइयों को राम राम, नमस्कार। और भाई आज 9 तारीख है, 9 जनवरी। आज फिर दोबारा से जा रहे हैं किसी चीज़ के इंतज़ार में, पर अब तक अब सारे भाई जा रहे हैं गुड़गांव पकौड़े खाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं भैया? पकौड़े खाने जा रहे हैं। आज पकोड़े खाने जा रहे हैं। पकोड़े के साथ में आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उस पकोड़े वाले के पास सिर्फ पकोड़े और उसकी जो स्पेशल चीज़ है वो हम दिखाएंगे। और पकोड़े के साथ में उसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें क्वालिटी उसके पास है जो कि हम आज आपको वहाँ जाकर ही दिखाएंगे। और किस वजह से वहाँ पर हम गए और दिल्ली से कितने दूर है वो सब आपको दिखाएंगे। अभी हम ये जो मीटर है, ये दिल्ली साउथ दिल्ली से कितना पड़ेगा, इसके लिए हम इस मीटर को कर देते हैं जीरो। जीरो करने का ये यहाँ से भैया ये हो गया जीरो। तो अब ये मीटर जीरो कर दिया है हमने, आप देख सकते हैं भाई। फिर अब पकोड़े खाने या फिर चाय पीने, पकोड़े खाने और एक अच्छी सी चीज देखने, एक अच्छी सी चीज। हाँ भाई, चलो भाई राम राम। चलते पकोड़े खाने के लिए और चाय पीने के लिए और साथ में वहाँ पे जो असली चीज है वो दिखाने के लिए। ठीक है, तो सब भाइयों से बीच में रिक्वेस्ट है अपना प्यार। भाइयों, ये है दिल्ली जयपुर हाईवे। और जैसा कि आपको बता रहे थे, अभी जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। और दिल्ली से हम चल दिए हैं और अभी लगभग हम 16 किलोमीटर दूरी पहुँचे हैं, जयपुर हाईवे पे आ गए हैं। स्पीड जो है यहाँ पे 70 की दिखाई हुई है, 70, और हम तो 60 पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई किस साइड में जा रहे हैं कुछ बताओ? भाई चाय पकोड़े खाने जा रहे हैं। वो तो पता है, अब हम निकल किस साइड रहे हैं दोस्त? अब निकल रहे हैं सोना की तरफ। भाई नहीं, सोना की तरफ नहीं जाना, गुड़गांव। पहले गुड़गांव, फिर गुड़गांव से राइट है जयपुर के, जो जयपुर हाईवे है, नीमराणा, शायद नीमराणा है, हमें कंफर्म नहीं है। दो टोल टैक्स मिलते हैं, जो सेकंड टोल टैक्स है उसमें वो होगा। राजेश भाई, सेकंड टोल टैक्स कौन सा है? सेकंड टोल टैक्स अपना मिलेगा निमराना का, ये शायद वो। अच्छा, शाहजहापुर है, शाहजहापुर तो शायद शाहजहापुर का जो टोल टैक्स है उसके बाद। मौसम बड़ा औसम है, बढ़िया लग रहा है, मौसम मार रहा है, सीटी भी मार रहा है। साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, आज जो ये बारिश दो दिन से दिल्ली के अंदर चल रही है, दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर में, इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बिल्कुल नीचे आ गया है। यानी आप ये लगा लीजिए लगभग 60 के करीब, वो डेसिमल वगैरह वो हमें याद नहीं है किस उसमें उसको काउंट करते हैं। तो बड़ा ही खुशनुमा माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल दिल्ली में इस टाइम है। और आगे दिखाते हैं आपको भाई, जब पहुंच जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे। धन्यवाद। ये भाई फर्स्ट टोल गेट आ गया है, और जो दिल्ली क्रॉस करने के बाद, गुड़गांव क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट टोल आता है वो निकल चुका है। ये आपको दिखा दें ताकि आप लोगों को किसी को जाना हो, आप यहाँ सैटरडे संडे जा सकते हैं। किलोमीटर मैं आपको बाद में मेंशन करूँगा, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर है। और यानी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ जाके आपको मैं खुलासा कर सकता हूँ उस चीज़ का, आपको दिखाएंगे बताएंगे। और वो चीज़ मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का भाई सोचना ज़रूरी है। और ये चीज़ हर देशवासी के दिल में आनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके। मैं इस विषय में आपको और ज़्यादा बताऊंगा, अभी हम पहला ये टोल टैक्स पार कर लेते हैं, उसके बाद में जब नेक्स्ट टोल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट टोल से फिर कितना दूर है। आप ये टोल देख रहे हैं, ये आ चुका है, IGL का यहाँ पे पंप भी है। और ये फर्स्ट टोल है, और ये टोल है कौन सा हमारा, मिलेनियम सिटी एक्सप्रेस, मिलेनियम सिटी एक्सप्रेस का टोल है जिस पे अब हम आए हैं। और ये भाई VIP एंट्री हमारी,
वीआईपी तो समझते ही होगे। ये देखो फट से खुला भाई, कोई वीआईपी एंट्री नहीं है आजकल, फास्टैग का जमाना है, सिर्फ फास्टैग की वजह से फटाक से खुल जाता है और हम लोग निकल जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिखना कि भाई जो चीज़ें दिखा रहे हैं उन चीज़ों का कुछ दिखाने का आप अर्थ भी समझे कि हम किस वजह से ये चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे क्या वजह है। आपको बाद में मिलते हैं भाई, अभी शायद आगे थोड़ा ट्रैफिक जाम है, बाद में मुलाकात करते हैं और बताते हैं आपको।